हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पैराबोला में जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो भी लेटेस्ट आए थे एग्जाम में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग सब बेसिक अच्छे से तैयार करके रखो और सारे के सारे क्वेश्चंस वही बेसिक्स पर पूछे जा रहे हैं जो आपने पढ़े थे, ठीक है। तो आज मैं जेई मेन 2020 जनवरी वाले क्वेश्चंस को लेने जा रहा हूं। तो जो पहला क्वेश्चन था मैं वो लिख देता हूं और जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है उसी से आपको रिलेट करके उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये था, जो मतलब आज जो मैं पहला ले रहा हूं, लेट वाई बराबर एम एक्स प्लस फोर इज टैंजेंट टू बोथ द पैराबोलास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2by, ठीक है। क्या दिया हुआ है, लेट वाई बराबर एम एक्स प्लस फोर इज टैंजेंट टू बोथ द पैराबोलास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2by, देन बी इज इक्वल टू, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था जेई मेन 2020, ठीक है, और ये जनवरी में पूछा गया था, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शंस थे वो ये थे, ऑप्शन पहला था इसमें -64, दूसरा था -32 जो भी, और -128 और इसमें 128, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जो आया था एग्जाम में और इसमें आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करना था और वाई बराबर एम एक्स प्लस फोर जो है वो इन दोनों पैराबोलास पर जो है टैंजेंट है, ठीक है। तो टैंजेंट में तुमने इतनी एनालिसिस कर रखी है, सी बराबर ए बाई एम, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जानते ही हो गए, और कोई इसमें जो है वो ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो वाई बराबर एम एक्स प्लस फोर जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर टेंजेंट है, तो सी बराबर ए बाई एम तुरंत लग जाएगा, और सी की वैल्यू क्या है 4, अरे भाई 4 है ना एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके, तो सी बराबर ए की वैल्यू कितनी है 4, ए बराबर भाई 4 तो ए बराबर 1, तो 1by, और एम की वैल्यू एम, ठीक है चलो, तो m बराबर यहां पर 1/4 हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि y बराबर mx प्लस 4 जो लिखा हुआ है ये वास्तव में y बराबर 1/4x प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो y बराबर mx प्लस 4 अगर दोनों पैराबोला पर टेंजेंट है, तो अगर इस पर टेंजेंट है तो हम जो पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो लगा करके आप आसानी से बता सकते हो कि m की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये जो लाइन दी हुई है ना y बराबर mx प्लस 4, ये वास्तव में y बराबर 1/4x प्लस 4 है, ठीक है। अब देखो y बराबर 1/4x प्लस 4 x स्क्वायर बराबर 2by पर भी टेंजेंट है, ठीक है। ये जो है अगर इस पर टेंजेंट है तो ये इस पर भी टेंजेंट है, y बराबर mx प्लस 4 अगर इस पैराबोला पर टेंजेंट है तो m की वैल्यू आ गई और हमने रख दिया, तो ये बदल गया इस फॉर्म में। अब रियलिटी में ये जो लाइन है वो ये है, तो y बराबर 1/4x प्लस 4 इस पर भी टेंजेंट है, तो जब इस पर भी टेंजेंट है तो यहां पर अगर हम y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकालें तो x की एक वैल्यू ही मिलेगी। अगर किसी पैराबोला पर कोई लाइन टेंजेंट है तो इन दोनों को सॉल्व करने पर x की भी एक वैल्यू मिलेगी, y की भी सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। x की दो वैल्यूज नहीं मिलेंगी। अगर टेंजेंट है तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू और y की वैल्यू सिर्फ एक ही मिलनी है, ठीक है। तो चलो इसमें y बराबर 1/4x प्लस 4 अगर इस पर टेंजेंट है तो x स्क्वायर बराबर 2by x / 4 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 2b और x प्लस 16 अपॉन 4, मतलब यहां पर 4x स्क्वायर बराबर 2b x प्लस 16, ठीक है, या 2x स्क्वायर और बराबर bx और प्लस 16b, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बना लेंगे, 2x स्क्वायर और माइनस bx और माइनस 16b बराबर 0, ठीक है। तो यहां पर देखो y बराबर mx प्लस 4 इस पैराबोला पर टेंजेंट है तो m की वैल्यू आ गई, और फिर वो जो लाइन आ रही है वो इस पर भी टेंजेंट है, तो भाई y बराबर mx प्लस 4 m की वैल्यू जब आ गई तो ये लाइन ऐसी दिखने लगी, तो ये लाइन इस पर टेंजेंट है तो y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है उसमें x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, क्यों,
क्योंकि अगर कोई लाइन किसी सेकेंड डिग्री कर्व पर टेंजेंट है तो दोनों में कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है। और जब सिर्फ एक ही पॉइंट होगा तो जाहिर सी बात है एक्स की एक ही वैल्यू होगी और वाई की भी एक ही वैल्यू होगी। अगर एक्स सॉल्व करते समय एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो एक्स की एक वैल्यू मिलेगी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो कर देंगे। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही रूट कब मिलता है, एक ही एक्स की वैल्यू कब मिलती है, वेरिएबल की एक ही वैल्यू कब मिलती है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो हो जाए। तो यहां पर जो हमने x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, x की एक ही वैल्यू मिलेगी, तो मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो जीरो होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए, मैं कैपिटल लेटर में लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां पे स्मॉल लेटर यूज हो चुका है, ठीक है। तो बी स्क्वायर, ये नोटेशन के लिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, तो मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी, अरे माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू टू है और माइनस सिक्सटीन बी बराबर जीरो। इसको सॉल्व करने पर कितना जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 128 बी ना, 128 बी बराबर जीरो, और यहां से बी कॉमन ले लिया, बी प्लस 128 बराबर जीरो, तो मतलब बी की वैल्यू या तो जीरो है या तो माइनस 128 है, ठीक है, माइनस 128। बी की वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते क्योंकि अगर बी की वैल्यू आप जीरो ले लोगे तो ये पैराबोला ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू जीरो लेना नॉट पॉसिबल है, और इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 128 ही इसकी वैल्यू होना पॉसिबल है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। और यहां पर देखो एक चीज और, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसीलिए यहां पर हम फार्मूला सी बराबर ए बाई एम नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तब हम बड़े आसानी से फार्मूला लगा लेते हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड फॉर्म में था। ये जो है हमारा जो जिस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे फार्मूले वगैरह पूरे हम लोग पढ़ते हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है, तो उस फॉर्म में ये नहीं है, इसलिए यहां पर हम कई काम कर सकते हैं, या तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको ठीक करें, या सीधा सीधा हम बेसिक रूल लगा दें कि भाई कोई लाइन किसी सेकेंड डिग्री कर्व पर टेंजेंट तब है जब दोनों को सॉल्व करने पर कोऑर्डिनेट एक मिलता है, मतलब कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही मिलता है। जब कॉमन पॉइंट सिर्फ एक मिलेगा तभी तो कोई स्ट्रेट लाइन किसी सेकंड डिग्री कर्व पर टेंजेंट होगी, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो करना पड़ता है। यहां पर डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो कर दिया इन दोनों को सॉल्व करते समय। जब हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इन दोनों कॉमन पॉइंट के एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, चाहे तो एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, चाहे तो वाई की वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पाओगे उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो कर देना, ताकि एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू जो भी मिल रही है वो सिर्फ एक ही मिले, यूनिक मिले, ठीक है। तो बस d बराबर जीरो कर दिया और हमारी वैल्यू आ चुकी है माइनस 128। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए और मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूं जो JEE Main 2020 जनवरी में पूछा गया था, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो JEE Main 2020 जनवरी में पूछा गया था। तो इसमें जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो देखो, पहले लेट अ लाइन y बराबर mx इंटरसेक्ट द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर एक्स एट अ पॉइंट पी अदर देन द ओरिजिन। वाई बराबर एम एक्स एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो एक पैराबोला को एक पॉइंट पी पर काटे, ठीक है। अच्छा, लेट द टेंजेंट टू इट, मतलब चलो मैं इसका डायग्राम भी बनाते चल रहा हूं। देखो इसमें दिया हुआ है कि एक लाइन है वाई बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स, ठीक है, ये इस पैराबोला को पॉइंट पी पर काट रही है लाइन, ठीक है, अदर देन द ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पर काट रही है, मतलब वाई बराबर एम एक्स ओरिजिन से तो पास करने वाली लाइन है ही है, साथ साथ इस पैराबोला को पॉइंट पी पर काटे, ठीक है। लेट अ लाइन वाई बराबर एम एक्स इंटरसेक्ट द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर एक्स एट अ पॉइंट पी अदर देन द ओरिजिन, ठीक है। लेट द टेंजेंट टू इट एट पी, पी पर एक टेंजेंट भी खींचना है, ठीक है, पी पर हमने एक टेंजेंट खींचा, तो लेट द टेंजेंट टू इट एट पी मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, चलो ये ओ पॉइंट है थोड़ा सा, तो चलो एक्स एक्सिस एट द पॉइंट क्यू, इफ द एरिया ओ पी क्यू, इस एरिया के बारे में दिया हुआ है, ये जो एरिया है ये एरिया फोर स्क्वायर यूनिट है, ठीक है, इफ एरिया ओ पी क्यू, ट्रायंगल OPQ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, इफ द एरिया ट्रायंगल OPQ बराबर 4 स्क्वायर यूनिट देन m इज इक्वल टू, तो m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन।
ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है वाई बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स इस पैराबोला को कहाँ पे काट रही है, पी पर, जो कि ओरिजिन से अलग है, ठीक है। तो पॉइंट पी पर एक टैंजेंट खींचा गया पैराबोला पर जो एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पर काटे, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है ओ पी क्यू ट्राइंगल का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट है, तो एम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल जो है ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है, तो फटाफट यहाँ पे y बराबर mx है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये y स्क्वायर बराबर x है ना, तो इसको इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो y बराबर mx जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर x, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आएगा कितना, एम स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो, एक्स कॉमन ले लिया, एम एक्स एम स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो x की वैल्यू 0 है और 1 बाई एम स्क्वायर है, 0 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि अदर देन ओरिजिन आपसे कहा गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो आपको सिर्फ 1 बाई एम स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो x की वैल्यू सिर्फ 1 बाई एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाई एम स्क्वायर, और यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे, ये लिखने के बाद हम ये भी लिख देंगे एम स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर जीरो, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 नहीं है, जब 0 नहीं है तो ये डिवाइड 0 बाई समथिंग होकर के खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि x 0 नहीं है इसलिए x को हटाया जा सकता है, एम स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर जीरो, इसलिए x बराबर 1 बाई एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 1 बाई एम स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या होगी, बोलो बच्चों y की वैल्यू क्या होगी, मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूँ। तो x की वैल्यू 1 बाई एम स्क्वायर है, तो जब ये 1 बाई एम स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 बाई एम, ठीक है, हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो y स्क्वायर बराबर 1 बाई एम स्क्वायर, तो y की वैल्यू प्लस 1 बाई एम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट ऊपर है, जब ऊपर पॉइंट है तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव नहीं लोगे, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट आ गया 1 बाई एम स्क्वायर कॉमा 1 बाई एम। अब चलो जल्दी से इस लाइन की इक्वेशन लिख दी जाए, है ना, तो क्योंकि हमें पॉइंट क्यू भी तो निकालना है, अगर पॉइंट क्यू आ जाएगा तभी तो आप ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर ये जो पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बोलो, पी क्यू लाइन की इक्वेशन होगी वाई वाई वन बराबर 2ax plus x1 फार्मूला आपने पढ़ा है ना टेंजेंट का, बस वही लगा देना है। y into 1 by m बराबर, अब 4a बराबर अगर 1 है तो ये 1 by 2 जगह, मतलब 2 into 1 by 4 समझ लो, और x plus 1 by m square, समझ में आ रही बात, ये इस तरीके से, ठीक है, 1 by m square, ठीक है। और यहां पर 4a बराबर 1 है, तो a बराबर 1 by 4 है, वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, PQ लाइन की इक्वेशन निकाली और ये आ गया y into 1 by m बराबर कितना जाएगा, x by 2 है ना, और प्लस 1 by 2 m square, क्लियर। तो ये आ गए हमारे लाइन की इक्वेशन, ठीक। तो चलो PQ लाइन की इक्वेशन आ गई, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए आपको y जीरो करना पड़ेगा ना भाई, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको पता है कि y की वैल्यू जीरो होगी, जब y की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पे जीरो रख दो, तो y बराबर जीरो रख दिया, तो यहाँ से आ गया x बाई टू प्लस वन बाई टू एम स्क्वायर बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस वन बाई एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस वन बाई एम स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें y बराबर एम एक्स दिया हुआ था कि y बराबर एम एक्स इस पैराबोला को जो है काट रही है ये लाइन, तो और ओरिजिन के अलावा जो दूसरा पॉइंट है उस पर आप, उस पॉइंट को पॉइंट पी कहा गया है। तो आपने क्या किया, इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व किया और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया एम के फॉर्म में, और हमें पता है कि वाई एम की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये लाइन इस तरह से जा रही होगी, मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी। तो हमने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया इस पैराबोला और इस स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके, ठीक है। तो जैसे ही पॉइंट पी आ गया, तो पी पॉइंट पर हमने टैंजेंट की इक्वेशन लिख दी, ठीक है, हमने पी पॉइंट पर टैंजेंट की इक्वेशन लिख दी और हमने वाई की वैल्यू जीरो रख करके एक्स की वैल्यू निकाली ताकि पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट पता चल सके। तो ये माइनस वन बाई एम स्क्वायर कॉमा जीरो है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि इसका जो एरिया है वो कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो, तो 1 बाई 2 और भाई ये है 0.0, तो 0.01, ये वाला फार्मूला आप जानते हो ना डिटर्मिनेंट वाला एरिया का, तो 1 बाई 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 0.01, और इसको ले लेते हैं माइनस 1 बाई एम स्क्वायर और 0 और इधर 1 और वो 1 बाई एम स्क्वायर
और 1 बाई एम और 1, ठीक है, ये बराबर 4 दिया हुआ है। उस पर डिटर्मिनेंट लगा, डिटर्मिनेंट पे मॉड साइन लगा देंगे क्योंकि हमें पता है एरिया हमेशा पॉजिटिवली आता है, इसलिए उसे हम मॉड में ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0 0 है ये, तो 1 इंटू दिस, ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा 1 बाई टू और 1 इंटू माइनस 1 बाई एम क्यूब, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, तो 1 इंटू दिस इंटू दिस और माइनस 0, ठीक है, और ये बराबर 4, तो इसके बाद आ जाएगा हमारा, और इस पर मॉड भी लगा हुआ है, ध्यान रहे, ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर देखो ये आ गया। अब इसके बाद मॉड लगा ही हुआ है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन एम क्यूब बराबर 8, और चूंकि इस पर मॉड साइन लगा हुआ है ना, तो माइनस 1 बाई एम क्यूब पे जब मॉड आएगा ऐसे, तो ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन एम का होल क्यूब बराबर 8, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा हमारा 1 बाई एम इज इक्वल टू 2, या हम कह सकते हैं m बराबर 1/2, मतलब 0.5, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 0.5 है। समझ में आ रही बात बच्चों, तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक, तो कैसे सॉल्व किया, समझ में आ रही बात, देखो y बराबर mx लाइन का y स्क्वायर बराबर x से इंटरसेक्शन निकालना था, ये पॉइंट हमने निकाल लिया, फिर कहा गया वहाँ पर टेंजेंट खींचो, आपको फार्मूला पता है टेंजेंट का, y बाई वन बराबर 2ax + x1 होता है, सीधा सीधा वैल्यू रख दिया हमने, ठीक है, तो जो है इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो y की वैल्यू 0 कर दिया, x की वैल्यू आ गई, कुल मिला के 0 0 के साथ ये भी कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। और जब हमें किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता हो तो एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 और डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है, और इस पर मॉड भी लगा देते हैं, तो ये एरिया का फार्मूला होता है, और यही फार्मूला लगा करके हमने इक्वल टू 4 किया, और इसके बाद सिंपल जो है कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो और फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है जो जेई मेन 2020 में पूछा गया है जनवरी में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है पहले इसको पढ़ लीजिए, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0, -1 एंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला x² = 4y इंटरनली इन द रेशियो 1:2 इज, ठीक है, आपको एक लोकस निकालना है, ठीक है, और पैराबोला दिया हुआ है x² = 4y, ठीक है, x² = 4y पैराबोला दिया हुआ है, एक पॉइंट 0, -1 दिया हुआ है, ठीक है, 0, -1, ठीक है, और पैराबोला के किसी पॉइंट को इससे मिलाया गया, ठीक है, और 1 और 2 के रेशियो में एक पॉइंट है जिसका लोकस हमें निकालना है, ये 1 और 2 का रेशियो है। ठीक है, अब फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0, -1 एंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला x² = 4y इंटरनली इन द रेशियो 1:2 इस, ठीक है, तो ये लोकस आपको निकालना है और 0, -1 से एक लाइन सेगमेंट खींचना है जो x² = 4y को कहीं पे जाके जो है कहीं पे जाके मिले। ठीक है, तो इसके एक पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, ठीक है, और ये 1 और 2 का रेशियो होना चाहिए, मैं इसको P कह दे रहा हूँ और इसको Q कह दे रहा हूँ और इसको R कह दे रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट P से एक लाइन सेगमेंट खींचनी है, ठीक है, और x² = 4y को Q पर जाके मिले, टच करे ऐसा नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ आपको पैराबोला के किसी भी पॉइंट से आपको मिलाना है, ठीक है, और 1 और 2 के रेशियो में जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट का लोकस निकालना है। ठीक है, देखो होने के लिए तो ऐसे बहुत सी सिचुएशंस हैं, देखो ध्यान से इस तरह से, देखो ध्यान से ऐसे ऐसे से है ना, तो बहुत सिचुएशंस हैं, और इन सब के मिडिल पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो एक कर्व तैयार होगा, उसी कर्व के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो फिलहाल ये 1 और 2 के रेशियो में जो पॉइंट है इस h और k को कैसे निकाला जाए, तो चलो इसको थोड़ा सा पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। तो x बराबर अगर यहाँ पर t² ले लें तो नहीं सॉरी y बराबर अगर यहाँ पर t² ले लिया जाए, अगर y बराबर यहाँ पर t² ले लिया तो x बराबर कितना आ जाएगा, x² = 4t² x = 2t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2t, t² हम एक जनरल पॉइंट तो ले ही सकते हैं। ठीक है, देखो
पैरामेट्रिक फॉर्म में डालने का मतलब ये होता है कि आप x और y को किसी दूसरे पैरामीटर के फॉर्म में लिख सको, तो वो आप अपने मन से ऐसे भी कर सकते हो। y की वैल्यू हमने ऑटोमेटिक एज्यूम कर लिया t स्क्वायर, तो x बराबर x स्क्वायर बराबर 4 टी स्क्वायर आ रहा, तो x की वैल्यू हमने 2t ले लिया। यहाँ पे प्लस माइनस आता है, पर पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर 2t, ठीक है, तो 2t कॉमा टी स्क्वायर। तो 2t कॉमा टी स्क्वायर एक जनरल पॉइंट है x स्क्वायर बराबर 4y पर, ठीक है। अब h और k की वैल्यू, और देखो जब कभी किसी मतलब पैराबोला पर पॉइंट फिक्स ना हो, तो पैराबोला पर जो पॉइंट लेना होता है ना, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में लेने पर हमें ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म में बता रखा है इसको, है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है तो देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने वहां पर बता रखा है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला में, कि जब कभी आपको पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लेना पड़ जाए, ठीक है, और वो फिक्स ना हो, तो आप उसे पैरामेट्रिक फॉर्म में जब लेते हैं तो ज्यादा आसानी होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू t स्क्वायर लेने पर x की वैल्यू 2t आ गई, तो 2t कॉमा t स्क्वायर हमने एक जनरल पॉइंट दे दिया। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो जल्दी से इंटरनल डिवीजन वाला जो फार्मूला है वो लगाओ भाई, t के फॉर्म में आएगा। तो h बराबर 1 into 2t plus 2 into 0 upon 1 plus 2, मतलब h की वैल्यू आ गई हमारे पास 2t upon 3। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो अब k की वैल्यू बता दो, k की वैल्यू होगी कितनी, 1 into t square plus 2 into -1 और नीचे 1 plus 2, मतलब k की वैल्यू हो गई t square minus 2 upon 3, ठीक है, हो गया। तो k की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, एक पैरामीटर t लिया और t के फॉर्म में हमने इस कोऑर्डिनेट को लिखा, ठीक है। कोशिश किया करो जो पैरामीटर्स की संख्या है वो एक ही रहे, ठीक है। तो एक पैरामीटर मान लिया t, और t के फॉर्म में हमने इसके जनरल कोऑर्डिनेट को लिखा, फिर h के को भी हमने t के फॉर्म में लिखा, ठीक है, हमने h को भी t के फॉर्म में लिखा, k को भी t के फॉर्म में लिखा। अब लोकस तो तभी आएगा जब h और k का रिलेशन आ जाए, और h और k के रिलेशन में कोई भी बदलता हुआ पैरामीटर नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर आपने t को माना, ठीक है, पर t का कोई रिलेशन से नहीं मतलब है, आपको h और k में आपस में रिलेशन चाहिए। इन दोनों में ऐसा क्या कर सकते हैं कि h और k में रिलेशन आ जाए और t गायब हो जाए, तो जाहिर सी बात है यहां से t की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, ठीक है। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, t बराबर आएगा 3h/2, ठीक है, उसको यहां पर रख दो। तो k बराबर कितना आएगा, 3h/2 का होल स्क्वायर और -2/3। समझ में आ रही बात, अरे भाई t को गायब करना था तभी भाई, h और k में रिलेशन चाहिए और t को गायब करना है, साफ साफ दिखा t की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो, तो t की वैल्यू 3h/2 को यहां पे रख दो उठा के, हो गया। तो k बराबर 3h/2 का होल स्क्वायर -2/3 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, 3k+2 बराबर 9h² / 4, तो यहां पे आ गया 9h² बराबर 12k+8, ठीक है, या 9x² बराबर 12y+8। देखो कोई आंसर है भाई, h को लास्ट में x से और k को y से रिप्लेस करना होता है, तो यहां पर कोई ऑप्शन, अच्छा 9x² बराबर 12y+8, ठीक है, ये वाला आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो ये जो लोकस है ना, ये है इसका जो लोकस है, एच के का लोकस, ये लगातार बदल रहा है। अगर ये क्यू पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये कुछ और इधर हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा तो ये यहाँ हो जाएगा, क्यू और दूर चला जाएगा थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्यू पॉइंट बदल रहा है, वैसे वैसे इस आर का जो लोकेशन है वो भी बदल रहा है। तो जो आर किस रास्ते पर मूव कर रहा है, तो जो लोकस है वो ये आ गया 9x² = 12y+8, या 9x² - इसको क्या लिखते हो, 9x² - 12y = 8, ठीक है, जिस तरह से दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो 9x² - 12y = 8 इसका आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो बच्चों आपने ये जो क्वेश्चंस देखे, इन सारे क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं थी, आपको सिंपली अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था, और ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पैराबोला के अंदर, ठीक है।
आप लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर में पहले पूरे बेसिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो बहुत ज़रूरी अच्छे क्वेश्चन हैं उसके साथ ही मैं करा रहा हूँ, तो उन सभी को आप अच्छी तरह से रिवाइज करके रखिए, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा आप नेचुरल तरीके से सोचे कर भी ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि जितना चीज़ ज़रूरत पड़ता है वो सब मैं उसमें करा रखा हूँ, आपको बस उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, रिवाइज करके रखना है, नोट्स बना के रखना है, ठीक है, और एग्ज़ाम के समय उसे अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।